All right then, on that lighter note, let's call upon our fifth speaker for the day. Dr. Anu Mehta has been honored with a degree of Doctor of Philosophy from the Open International University for Complementary Medicines, Colombo, Sri Lanka. She's the pioneer and the first master trainer in India and in Asia in a diagnostics tool called Mehta Health, information technology called NES Health, family constellation from Bert Hellinger Institute, sound healing under Jens Zygar, and advanced clearing energetics, a therapeutic tool created by Richard Flook. Through her work, she assists people to identify and release the stress which are causing psychological or physiological illness. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the loving and the most compassionate Dr. Anu Mehta. Welcome on stage, ma'am. Good afternoon. Sat Sri Akal. Namaste. यार आधी दोपहर को हेल्थ के बारे में बोलने के लिए यहाँ खड़ा कर दिया है जबकि आप लोगों को मनी पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट हाउ टू गेट मनी हाउ टू गेट दिस हाउ टू गेट दैट सो लेट मी फर्स्ट गेट इनटू व्हाट इज मेटा हेल्थ क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका नाम मेहता हेल्थ है कि मेटा हेल्थ है तो आज क्लियर कर ही देते हैं आपके लिए ऐसे है Meta means above something. And health, आपको पता है जो लोग बोल चुके हैं they should be, you know, health is wealth. पर ज़रा अपनी जेब के अंदर हाथ डाल के देखिए क्या आपके पास वाकई health है Just search for health. Who over here will say I'm completely healthy? तो हेल्थ का मतलब हुआ क्या व्हाट रियली इज हेल्थ हेल्थ इज इन आवर वोकैबुलरी जब तक धक्के मार मार के मेरी गाड़ी चलती रहती है तब तक मैं हेल्दी हूं जब लुढ़क गई पेन में है मैं उठ के यहां तक नहीं पहुंच सकती दैट मीन्स आई एम अनवेल दिस इज अ नॉर्मल लेमैन्स वोकैबुलरी ऑफ व्हाट इज हेल्थ मैं आपको आज उस दुनिया में लेके जाऊंगी और थोड़ी बॉलीवुड के साथ क्योंकि हेल्थ अदरवाइज इज अ वेरी वेरी ड्राई टॉपिक एंड लेट्स नॉट मेक इट मेडिकल ठीक है तो सबसे पहले डिसीज वर्ड ले लेते हैं ऑल ऑफ यू राइट दैट वर्ड डाउन ऑन योर शीट्स डिसीज बड़ा बड़ा लिखना जरा प्लीज अभी इसे ब्रेकअप करिए जरा डिस एंड ईज मतलब कुछ तो ऐसा आपकी जिंदगी में हो रहा है विच यू आर नॉट एट ईज विद मतलब आप कंफर्टेबल नहीं हैं अब यहां से थोड़ा सा एक सॉन्ग सुन लेते हैं मतलब हम में से कोई नहीं जानता कि हेल्थ का एक्चुअली मतलब क्या है क्योंकि जिंदगी का मतलब नहीं मालूम हमें आपको क्या लगता है आपकी हेल्थ आपकी जिंदगी से अलग अलग है एक ही है जैसे आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं वैसी वैसी आपको बीमारियां होंगी जैसे जैसे आपके रिश्ते हैं वैसे वैसे आपके फेफड़े आपकी लंग्स आपके हार्ट बोलेगा अगर दिल का मामला है तो दिल जाएगा अगर आप थक गए हैं तो आपकी बॉडी में दिखाई देगा अगर आप रिश्तों को खींच रहे हैं नॉट लाइक अ फ्लावर इन योर हैंड और इन योर हेड
But something like a big chain that is tied down your legs, and you really got to push it. You really got to push this husband of yours. You really got to push this child of yours. You really are struggling. It'll show. ठीक है? हम में से फिकर कितने लोग नहीं करते हैं? I think I caught you guys. मतलब फिकर के बिना आपको पता ही नहीं जिंदगी क्या होती है. You know, मैंने कहीं सुना था ये फिकर नहीं करती है इसका मतलब she doesn't love us. कितनी मम्मियां ऐसे सोचती हैं यहाँ पे. How many mothers over here? How many entrepreneurs over here? Worry more than doing. और उसी पे दूसरा गाना सुनते हैं. अक्सर हम अपने मुकद्दर से लड़ते हैं और अपनी ज़िंदगी से लड़ते हैं और अपने आप से लड़ते हैं. जो आप यहाँ बैठे हैं ना, आप अपने आप से खुश नहीं हैं, इसीलिए आप एक और रास्ता ढूंढ रहे हैं कुछ और पाने का. हाउ मेनी ऑफ अस आर रियली इन एक्सेप्टेंस ऑफ हु वी आर एंड देर इज़ नोबडी हु wants to be themselves. We want to be the fishes, we want to be having someone else's talent, we want to do things their way. My mentor, Carl Dawson, said something very beautiful to me years back when I walked from UK with EFT and said, you know what, but in India, people are doing EFT from there and from here. He heard me out and said, keep quiet. Bola, main tereko kuch bata rahi hu marketing ke bare mein. मैं ये मार्केट नहीं कर सकते. ही से शट अप. बोला बड़ा बदतमीज है यार, फिर रंग होएगा तू तो क्या हुआ. मे बी आई वेंट ऑन सेड समझाओ व्हाट आर यू ट्राइंग टू से. आई वुडंट गिव अप. सो ही स्टूड देयर एंड सेड स्टे इन योर स्टोरी. Stay in your story, and the day we will stay in our story without looking at our neighbor's Oneida TV and said ki mujhko waisa wala chahiye ya uski biwi meri biwi se achhi kaise ya phir uska pati usko itna kuch leke deta hai mera wala kyun nahi leke deta. That day we might sign peace with our health. We might. Let's look at the next video clipping. When we get issues running in families, for example, cancer, we immediately look at a genealogy chart and mark all the recipients of this cancer running through the family and then turn around and say, look, genetics, this is running in the family, so there must be cancer genes. What they've left out of this very interesting piece of research that reveals that when children are adopted into families that have cancer, the adopted children will express the cancer with the same propensity as any natural child in that family. But the interesting fact is the child comes from totally different genetics that doesn't even have that cancer. So it says being introduced into the family dynamics, which is where you learn perceptions and beliefs and attitudes, is what shapes the cancer, not the genetics that somebody came in with. मतलब आपका कुत्ता आपकी बीमारियां क्यों लेता है, वो इसलिए नहीं कि आपसे प्यार करता है. आज पता लगा, इसलिए क्योंकि वो आपके तरह रहता है.
क्योंकि आप उसे अपने तरह रहने के लिए फोर्स करते हैं. द डे वी अंडरस्टैंड दैट आवर प्रीडिस्पोजिशन टू जीन्स वी इट्स लाइक पुटिंग ऑन अ स्विच और ऑफ अ स्विच बट वॉट विल पुट ऑन द स्विच फॉर दैट डिजीज इज कनेक्टेड विद हाउ यू विल लिव योर जिंदगी. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. So this is very beautiful clipping of Shah Rukh Khan where he says yaro da kar keda lokan nu puchda phire na oda kar hega na onu pyar karan wale hege. Meaning neither has he found his house neither jo log usko pyar karte hain. ऐसे सिंड्रोम को हम कहते हैं कि आप अकेले अकेले फील कर रहे हो और ये जो अकेलापन है ना जिंदगी में नासूर की तरह आपकी बीमारी बन के आता है. सो इफ़ यू आर अनवेल लुक हाउ अनवेल यू आर बिकॉज यू आर लोनली. डरते हो तुम किसी से प्यार करने के लिए लेकिन दो मिनट रुक के तो सोचो अकेलापन तुम्हें वैसे भी खा जाएगा. नेक्स्ट वन. This clipping showed how beautifully if you get connected back into your family, then what are your sentiments? तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ खड़े हैं झल्ले की तरह ढूंढ रहे हैं घर कहाँ है. हो सकता है आपका घर वहीं है जहाँ आप छोड़ के आए थे सुबह. लोग भी वहीं हैं जहाँ आप छोड़ के आए थे सुबह पर घर जाने का दिल नहीं करता आपका. कभी तो ऐसा हुआ होगा आपकी ज़िंदगी में कि घर जाने से पहले आपने कहा होगा कि मैं उस घर में जाने का मेरा दिल नहीं कर रहा है. हुआ? क्योंकि मैं वहाँ प्यार ढूंढता हूँ, इज्जत नहीं प्यार ढूंढता हूँ. मैं वहाँ अपनापन ढूंढता हूँ पर मुझे वो मिलता ही नहीं. और ये अपनापन जो है ना जब नहीं मिलता है दैट इज़ व्हेन यू हैव मैक्सिमम डिजीजेस. एंड नॉट जस्ट दैट इफ़ यू आर इन द आईसीयू वी स्टैंड देयर नॉट फीलिंग अपनापन इट एग्रोवेट्स योर प्रॉब्लम. प्लीज़ connect with people because that is the biggest way you can keep the disease away from anyone. Next please. Jisko apna keh sakun koi to ho aisa. Kisi ko mila yahan pe? Companion is so important. Research proves people who are married and people who have people who love them stay longer on this planet Earth. Belonging along with survival is your biggest reason for being alive. A child without belonging is as well as a dead child. You'll go and look at a child in an orphanage and see when they don't have anybody to belong to, how do they respond with their bodies and how do they treat, how whether they grow healthy or whether they don't. Next one, please. This song I picked up because it says not only is your house important but your country equally important. Tumhari roots, tumhara khoon, ye jitni khoon ki problems hai na, is sab cheez ke saath connected hai. Please make a note of it. Your blood is your identity. Mera khoon pani se zyada strong hai. Means what are you saying? I belong somewhere. I relate to a country, I relate to a nationality. मैं nationality तक नहीं जाऊँगी, उसके बाद जाएंगे हम लोग religion, उसके बाद हम जाएंगे हम belong कहाँ करते हैं. We go to our roots and our roots basically nourish us and make us alive. Next one please. कभी प्यार हुआ?
So jab aisa wala pyar ho, ishq wala love, dal dijiye, koi baat nahi. He's playing it halfway. Dal de. अभी ये वो वाला प्यार जो सिर्फ मॉम एंड डैड का नहीं है, थोड़ा सा उससे आगे उड़ के, जहाँ पे यू मीट समवन, एट टाइम्स यू फॉल इन लव विद समवन यू शुड नेवर फॉल इन लव विद. मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू फॉल इन लव विद पीपल यू शुड नेवर फॉल इन लव विद. एंड फिर पछतावा, गिल्ट, फियर. एंड हमारी सोसाइटी क्या कहती है कि 20 साल तक तुम माँ बाप को प्यार करो, उसके बाद एक बंदे को प्यार करो या बंदी को प्यार करो, यहाँ एक वो लगा दो. मेरा बेटा उस दिन आके पूछता है, डू यू रियली बिलीव इन मोनोगैमी? मैं वैसे बेटे होती तो नहीं है, आई वुड लाइक टू बिलीव इन इट. आवर इंडियन सोसाइटी ऑल्सो इन द ओल्ड टाइम्स, राजा महाराजाज हैड मैनी क्वीन्स एंड किंग्स, आई मीन किंग्स हैड मैनी क्वीन्स, बट Queens were never allowed to have so many kings. That's also wrong. If you go back in Mahabharata, we have women were choosing their own man and they had more than one man who they would call someone who would protect them. Yeah? So we have a whole mythology and whole history behind us where we actually look back. Falling in love was never so easy. And staying in love was even more difficult. Let's look at the next one, please. So that's the next clipping. And what's really interesting, they were longer, but they've got cut short, which is even better. तो जितनी ज़रूरत थी उतनी ही है. इट्स नॉट इनफ टू फॉल इन लव, देयर कम्स अ डे विद एवरी कनेक्शन देयर इज़ अ सेपरेशन, एंड सेपरेशन इज़ द मेजर कॉज ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स. यू कैन राइट इट डाउन, मेजर प्रॉब्लम इफ एक्जीमा, सोराइसिस, मेंटल हेल्थ इश्यूज, इट्स अ सेपरेशन. किसी प्यार करने वाले ने आपको छोड़ दिया या आप उनसे छूट गए. और हम कैसे छोड़ते हैं पता है? आजकल तो फेसबुक पे छोड़ देते हैं. व्हाट्सएप मैसेज लिख के बोलते हैं, टुमारो आई एम नॉट गेटिंग मैरिड टू यू डार्लिंग. डार्लिंग नहीं छोड़ते. सो विद एवरी कनेक्शन, एंड वेयर डज दैट बिगिन? मदर होल्ड्स द बेबी फॉर 9 months इनसाइड हर. 9 months विद द बिगिनिंग ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ देयर इज अ सेपरेशन फ्रॉम द मॉम. आवर सेपरेशन एंड कनेक्शन इज पार्ट ऑफ अ लाइफ एंड इम्पैक्ट्स अ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन विच इज कॉल्ड कॉर्टेक्स. Yet, we constantly believe everything has to be the way it was. आप अगर बड़े नहीं होगे, independent नहीं होगे, तो आप जियोगे कैसे? जिंदगी का नाम यही है. आगे बढ़ते हैं. Next one, please. कभी ऐसा प्यार हुआ? ज़रूर हुआ होगा, ख्यालों में. शायद किसी को बताया ही नहीं आपने. आज जाके सोचना कि डिड यू एवर लव सो मच एंड देन यू कुडंट मीट देम. लॉट ऑफ पीपल हु मूव फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया मैनी मैनी ईयर्स बैक इन जनरेशन्स लॉस्ट एवरीथिंग देयर. एंड यू नो व्हाट्स एन इम्पैक्ट ऑफ दैट? टिल टुडे द जनरेशन्स are suffering from diabetes, are suffering from obesity, are suffering from skin problems because of this disconnect that has happened. Mental health issues because of this problem that happened. Also, some of them who couldn't run from there develop what you call the muscular dystrophy. You know, where people cannot walk properly and stuff like that. Lot of blood problems came from there. And why is that? क्योंकि आप जो रस्ते छोड़ के आ गए हैं
वहाँ कभी ना कभी तो आपकी रूह पहुँचना चाहेगी, और जब आप वहाँ नहीं पहुँच सकते तो खालीपन जो दिल के अंदर है ना, वो आपका शायद खुद का नहीं है, आपकी जनरेशन का है, उसे साफ करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन प्लीज। ये रहा वो गाना जिसमें द गर्ल हैज़ टू एक्चुअली एक्सेप्ट दैट हर हस्बैंड इज़ नॉट ओनली हैड एन अफेयर बट ऑल्सो हैज़ अ चाइल्ड एंड देन टू एक्सेप्ट दैट चाइल्ड एज हर ओन। और ये जिंदगियों में होता है। इन माई एक्सपीरियंस ऑफ वर्क आई हैव रियलाइज दैट सो मैनी ऑफ अस आर स्पीकिंग लाइज इन वन रिलेशनशिप दैट वी शुड नेवर स्पीक लाइज एंड दैट्स इन द रिलेशनशिप विद आर हस्बैंड एंड विद अ वाइफ। फर्स्ट हम अपने माँ बाप से झूठ बोलते हैं, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं। दारू पी तो नहीं बताया, स्मोकिंग करी तो नहीं बताया। सारी दुनिया को पता होगा, शायद आपको नहीं पता होगा कि आपका बच्चा दारू पी के आता है या ड्रग्स पे है। फिर धीरे धीरे योर हस्बैंड एंड वाइफ के साथ आप बात करते हो, क्योंकि क्या है ना, हम रिश्तों में हार्मनी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और कैसे? एक दूसरे से छुपा के। एक दूसरे को बताते नहीं हैं हाउ वी फील, हम छुपाते हैं। एंड वाई? बिकॉज वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट द अदर पर्सन। रियली, आर यू रियली प्रोटेक्टिंग? क्योंकि जिस दिन उन्हें पता लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं, उस दिन उनको जो शॉक लगेगा, उस शॉक की वजह से जो प्रॉब्लम होगी, उसका आप कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट से सफाया नहीं करा सकते। नेक्स्ट वन प्लीज। कई बार टीचर्स के डर से, कई बार पेरेंट्स के डर से, कई बार गर्लफ्रेंड की डर से, कई बार किसी और के डर से, हमने वो काम नहीं किए हैं जो हम करना चाहते हैं। और जब ये घुटी घुटी हसरतें आपके अंदर रह जाती हैं, what it does inside you is a huge chemical changes, and these are the things that are going to cause more problem than the virus and the bacteria. Because if you don't do what your heart tells you to do, your heart is going to cry. India is one of the biggest capitals of heart problems, as well as we have diabetes. And why is that? Diabetes ka breakup le le. Di means to, betis means house. Jab ghar do mein bat gaya, that is diabetes. हार्ट प्रॉब्लम के अंदर आप ज़रा हार्ट को ज़रा टटोल के देखिए, कितने वर्ड्स हैं उसके अंदर? 8 और क्या है, देखिए देखिए देखिए, ईयर और क्या है, ब्रेकअप करें ना, कम ऑन, एच ई ए आर टी, एट, ईयर। आप सुनते क्या हैं, लोग आपको कहते क्या हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन एनएलपी वी से द ऑडिटरी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द विजुअल कॉन्फ्लिक्ट्स कॉज द मेजर प्रॉब्लम इन योर लाइफ। एंड व्हाट आर वी टेलिंग अबाउट कॉन्फ्लिक्ट्स? कॉन्फ्लिक्ट्स आर जो आपके सामने हो रहा है। आपको किसी ने इजाज़त नहीं दी है वो बनने की जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप वैसे ही अधूरी ज़िंदगी जी रहे हैं, आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पेरेंट या आपका टीचर आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उस टीचर को आप छोड़ दें और उस पेरेंट को आप छोड़ दें। एक कोई तो ज़िद पकड़े, और ज़िद पकड़े जीने की, क्योंकि वो टीचर वापस आ जाएगा, वो पेरेंट आपके पास वापस आ जाएगा। अक्सर जब आप स्टेज पे खड़े होकर आपको अवार्ड मिलेगा ना, तो पीछे खड़े होकर लोग बोलेंगे, मैंने ही बनाया था इसको। नेक्स्ट वन प्लीज। फर्स्ट नहीं आओगे तो कुछ हो जाएगा, कितने लोगों को ऐसा लगता है? कहीं फर्स्ट की, सो आई टेल यू माई ओन एक्सपीरियंस हियर। आई वॉज सपोज टू बी द वेरी ओनली मास्टर ट्रेनर इन इंडिया। बहुत तकलीफ हुई जब ओनली से फर्स्ट बनी, पर मेरे टीचर ने बड़े सुंदर से मुझे समझाया।
And he said, you know what? You will always be the first. And I want to give you that. You will always be the first. In your family, when the mother picks you up, whether you're born first, second, or third, you were always the first. It's like falling in love again. Every time you fall in love, it's always the first. Thank you. Next one, please. You remember this movie? एक लड़का था जो पढ़ लिख नहीं पाता था, जिसके लिए सारे अक्षर ऊपर नीचे घूमते थे. मैं भी ऐसा ही एक बच्चा हूँ. आज तक मुझे स्पेलिंग समझ में नहीं आते हैं. आप राइट और लेफ्ट करोगे तो शायद मुझे ऐसे और ऐसे करना पड़े. I have to literally do this. But today I break one of the most difficult subjects, which is mental health, and give it to you in the most easy manner. क्योंकि किसी मुश्किल काम को लेजी बंदे को पकड़ा दो या उसे पकड़ा दो जैसे समझ में नहीं आता, वो आपको तोड़ तोड़ के ऐसे देगा जैसे उसने खुद को दिया था. समझ गए? तो ये जो आपके obstacles हैं लाइफ में, this again, Carl Dawson said very beautifully to me, your biggest challenges will become your biggest gifts in your life. Your hurts will be your biggest weapons that you will carry around. Do not disown them. Cherish them, nourish them, and give it love. And see how you then shine like a bright star. Thank you. Next one. घूमे आके डाल सीख ले जीवन में जीना चार. How many of us don't even live life? हम for granted लेते हैं हमारी life, सारी जिंदगी जीने वाले हैं. 3 years back when I got silent heart attacks, and my doctor said to me, you have 7 days to live. I looked at him and said, that's enough. My 7 days, मेरे 7 दिन बहुत लोगों पे भारी पड़े हैं. Because every 7th day, I lived another 7 days. And it's been 3 years now, and my doctor says, I don't know what you do, my dear, but your heart is better than a 10-year-old's heart. I said, well, I live my life, and I make myself happy and invest on myself today. So, आपके पास शायद बहुत वक्त है हेल्थ का ध्यान रखने के लिए. आपके पास शायद बहुत वक्त है कल परसों नर्सों कुछ करने के लिए. Someday somebody will come pick you up and then take you out of this mess. मेरे पास वो वक्त नहीं है. Because God ने मुझे बहुत वक्त दिया पर मेरे डॉक्टर ने 7 दिन. So you have to decide whether you're going to let your experts talk to you, or you are the expert in your life, or you talk to yourself. If you want to live, no one on this earth can take away anything from you. Nothing. And I can tell you that the way I have lived my life in the last few years, I don't give a damn. I don't give a damn. Today I wore a sari because I had never worn a sari. Maine kaha, yaar, kuch aisa kiya jaye, logo ko kehte hai, change karo attitude. Main apne kapde hi change karke dekh lu. Jo ki kuch ghanton ke liye hi difficult hai. Attitude to bahut mushkil hai, wo bhi kisi ko bola pehna do. Attitude to koi aapko pehna nahi sakta. So I went trying to make myself really uncomfortable. And I felt really comfortable. Yeah, I felt really comfortable. Another thing that I did for myself in the last few years, I used to get very scared of dogs. Itna phobia ki ek chota sa mouse bhi mere samne aa jata tha na. Anything called animal and I would be on the other track somewhere. And, you know, aisa to sher nahi hu, par bahut jaldi, if you had brought that next to me, I was finished. And then I mastered my fear. Today I have a golden retriever in my house. Wow.
who's 6 months old. She sleeps with me, and she's so beautiful, and she gives me hugs, and she's made me understand that life is about capturing your fears, nay, loving your fears. The minute you accept it and love it and be at grace with it and be comfortable with it, life badal jati hai yaar. Life ka matlab badal jata hai ekdam. We're going to do one activity because we do have time. 1 minute, 37 seconds. And I never thought I'll complete in time. I did. How about all of you rise up, find a partner for yourself. Your neighbor. Bahut dur mat jao dhoondne. And I'll show you with one person how to do it here. Be very, very, very sincere. You might go back home today. This is a gift from me to you, something I learned at Bert Hellinger Institute. And so it's what we can call a gift to all the children in this room because we're all children. So can I ask you to step in? And can I ask you to step in, Gena, both of you? So I'm going to show you what you need to do. And if you all can do the same, yeah? So if you can stand there, I don't know your name. Hemal. Hemal. And Gena. Okay. Gena, could you stand here, please? Aap wahan khade rahe. Just stand. Look into each other's eyes. I want you to understand Hemal. I want you to understand Hemal. Gena is your mom. Look into her eyes. Just look into her eyes. And remember your whole lifetime with her. Your entire lifetime with her. And slowly when your body commands, only then move towards her. Don't be any willpower. Yahan koi willpower ki zarurat nahi. Apni body ko sunenge aap. Wo body aapki kya keh rahi hai, usse mehsoos karenge. Sirf aur sirf agar aapka dil kahe. Otherwise you will keep, and you will not close your eyes, ma'am. Keep looking. That's your son or your daughter. You have a son? That's your son then. Okay. Watch them. Give them 2 minutes and then you do the same and see how your world opens up for you. Look at her and say to her, you are the bigger one. Hemal. You are the bigger one. You are my mother. You are my mother. I'm the little one. Today I'm going to be your son. Today I'm going to be your son. I want you to give me love. Only if you feel like moving. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 it's not about you. You're standing in service of a boy over here. Do not move, because if you move, it's done. It's finished. This is a distance that you have to cross. This is your lifetime. I actually felt like that. Yeah, but you're not supposed to, she's not supposed to move. She's standing in complete service. All who will be standing as mothers are standing in complete service of their children. Would you like to sit down and watch rather than standing? But I really would like you to do this before you leave today, because Jannat mil jayegi aapko shayad. Jab dil kare Hemal, tabhi thode thode steps inki taraf lena. And please, all of you, look at this, because this is your lives over here. Mom, you are the bigger one. Feel the feelings that you're feeling. Allow the feelings to come up. Gena, understand, that's your son. Slowly, slowly, slowly. There's no hurry. No crossing your hands. No crossing your hands. Why are you cross with him? Ask yourself, why am I cross with my son? No crossing.
You're the bigger one, Mom. Look into her eyes and tell her that. I'm the little one. You're my mother. You're the only mother I have in this world. You're the best mom that I have. And only if you feel like moving, then move. Good. Hold her, hold her, hold her. I'm allowed to hold of my course, son back. Of course. You're always allowed. Thank you so much. When you connect with your mother like this, you connect with your spouse back again. You connect with a part of you. How about doing it? If we have time, 5 minutes, can we take it? No? Okay. So why not go back home and pick up? Could you do it at tea time? And I will help you out. Sure. We'll take it just takes 5 minutes, but your whole world will open up for you. Thank you so much. I really appreciate. Hello. Thank you, Dr. Anu Mehta. Well, that was truly loving and compassionate, a very compassionate talk also. But I would like to ask you one question. Dr. Anu Mehta, one question, please. I saw a lot of Shah Rukh Khan in your videos. Are you like a truly a fan of him? Next time. Huh? No. Chalo, we dekhte bhi kya hota hai. Theek hai. Ek kaam karte na. Go for it, Parvez. Ek pose kar lete bas. Theek hai. Shah Rukh Khan wala. Theek hai. Aise main batata hu. Ooh. Yaar, itne videos daloge to end mein pose bhi kar hi lena tha. Thank you so much.